खिलाड़ी हैं तो पीसीबी है, और ना पीसीबी कुछ है और ना पीसीबी के पास कुछ कमाने का कोई और तरीका है। स्पॉन्सर आता है तो भी खिलाड़ियों की वजह से, मीडिया राइट्स बिकते हैं तो भी खिलाड़ियों की वजह से, पीएसएल होता है तो भी उसमें खिलाड़ी खेलते हैं, और तो और स्टेडियम में लोग मैच देखने के लिए आते हैं तो भी खिलाड़ियों को देखने के लिए आते हैं। जहां जहां से भी पैसा आता है उन सब में सिर्फ एक कॉमन चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी। अगर आप खिलाड़ियों को खुश नहीं करेंगे, माली तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर कैसे टीम बनेगी और कैसी परफॉर्मेंस आएगी? और अगर टीम बन भी जाए तो फिर वेस्ट इंडीज जैसा हाल होगा कि दो वक्त की आलमी चैंपियन अब इस वर्ल्ड कप में जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है उसमें वेस्ट इंडीज की टीम ही शामिल नहीं है, और मुतअद्दिद खिलाड़ी इस वक्त लीग्स खेलने में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 4 माह से पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के माहदे पर तनाज़ा चल रहा था, जो गुज़श्ता कुछ दिन पहले हल हो चुका है, लेकिन तफसीलात कुछ सामने आई थी जिनमें पीसीबी ने 4 कैटेगरी में खिलाड़ियों को शामिल किया था, जिसमें ए, बी और सी, और खिलाड़ियों का कितना मुआवजा होगा ये तफसीलात सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन अब वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं। उनमें से एक अहम सवाल के खिलाड़ियों को महाना कितना मुआवजा मिलेगा, ए कैटेगरी वालों को कितना मिलेगा, बी वालों को कितना मिलेगा और सी वालों को कितना मिलेगा, और ये भी कि ए कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, बी कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, सी कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और डी कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। अगर बात करें ए कैटेगरी की तो उनमें 3 खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। ज़राए के मुताबिक इन तीनों खिलाड़ियों को तकरीबन 60 लाख रुपए महाना दिया जाएगा। और अगर बी कैटेगरी की बात करें तो उनमें 6 खिलाड़ी शामिल हैं। पहला खिलाड़ी फखर जमान, दूसरा खिलाड़ी इमाम उल हक, तीसरा नायब कप्तान शादाब खान, चौथा मोहम्मद नवाज, पांचवा नसीम शाह और छठा हारिस रऊफ शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इन 6 खिलाड़ियों को महाना 41 लाख रुपए तकरीबन दिया जाएगा। और अगर सी कैटेगरी की बात करें तो उनमें 2 खिलाड़ी शामिल हैं, एक अब्दुल्ला शफीक और दूसरा इमाद वसीम। ज़राए के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को तकरीबन 17,50,000 रुपए महाना दिया जाएगा। और अगर डी कैटेगरी की बात करें तो उनमें 14 खिलाड़ी शामिल हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और उनको महाना ज़राए के मुताबिक 11,30,000 रुपए महाना दिया जाएगा। डी कैटेगरी में फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तखार अहमद, एहसानुल्ला, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलेमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इन खिलाड़ियों के महाना आमदनी में से पीसीबी को जो आईसीसी से महाना रेवेन्यू मिलता है उनमें 3% शामिल होगा।